स्वागत है आप सभी का सुदल हर्बल व्लॉग्स में। और आज हम जो हानिकारक कीट हैं कृषि के लिए, बागवानी के लिए जो हानिकारक कीट हैं, उनका जैविक प्रबंधन किस प्रकार कर सकते हैं, इस बात की परिचर्चा करेंगे। तो मैं जैसे दिखा रहा हूँ अलग अलग प्रकार की रिसर्च पेपर्स, कुछ इस तरह की चीज़ें, फोटोग्राफ्स, जैसे आप देख सकते हैं कि किस तरह से जैविक तरीके से कीटों को नियंत्रित किया जा सकता है। आप इसमें बहुत सारे ऐसे फोटोज़ और ऐसे एक्सपेरिमेंट्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आपको दिखाऊंगा। ये देखिए डेजर्ट लोकस्ट है जिसका कहर था अभी कि टिड्डी दल आ गया है, वो टिड्डी दल सब कुछ खा रहा है। ये रस चूसक है, लीफ माइनर है। तो इस तरह से बहुत सारे कीड़े हैं जो आपको इस तरह से मरे हुए दिखाई देंगे। ये कोर्डाइसेप्स फंगस है जो कीड़ों पर जर्मिनेट करती है। ये देखिए ग्रास होपर है। तो इस तरह से मैं आपको बीच में बहुत सारी चीज़ें दिखाता रहूँगा। ये एफिड्स हैं और बात भी करते रहेंगे हम, इस बात की परिचर्चा भी करेंगे कि किस तरह से कीटों को नियंत्रित किया जा सकता है और प्रकृति कीटों को नियंत्रित करने का कौन सा तरीका है जो इस्तेमाल करती है, जो कीटों की पॉपुलेशन है, कीटों की संख्या है, उसको किस तरह से नियंत्रित किया जा सकता है ताकि पौधों को नुकसान ना हो, दूसरे अन्य जो लाभदायक कीट हैं, मित्र कीट हैं, वो भी पनपते रहें। तो मैं आपको बताऊं, एक परिवार है, जैसे ये दिखाई दे रही है आपको, ये कोर्डाइसेप्स फंगस है। एक कोर्डाइसेप्स फंगस का परिवार है जो नेमाटोड, ये जैसे नेमाटोड का लाइफ साइकिल दिखाया हुआ है, तो नेमाटोड बेनिफिशियल भी हैं, हानिकारक भी हैं। ये एक नेमाटोड को फंगस ने सोयल में ही रोका हुआ है, कैसे उलझा लेती है अपने अंदर, आगे नहीं बढ़ने देती। ये हमारी PFP है, PFP के बारे में भी हम बात करेंगे, साथ में नेमाटोड्स की ये कुछ चीज़ें, नेमाटोड्स किस तरह से जड़ों में गांठें बना देते हैं, पोषक तत्वों की कमी हो जाती है पौधों में। तो मैं आपको बताऊं कि कोर्डाइसेप्स एक परिवार है, एक फैमिली है फंगस की, जो कार्निवोरस फंगस है, एंटेमोपैथोजेनिक फंगस है जो इंसेक्ट्स के ऊपर फीड करती है। तो प्रकृति किस तरह से चीज़ों को सही रखती है, यही मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ये कॉकरोच है, तो जो फंगस, जैसे मेटारिजियम है, बवेरिया है, और आपकी पेसिलोमाइसिस है, इसके अलावा इसमें बहुत सारी फंगस है, कोर्डाइसेप्स की बहुत सारी प्रजातियाँ हैं जो अलग अलग कीटों पर काम करती हैं, हानिकारक कीटों पर भी काम करती हैं, लाभदायक कीटों पर भी कई बार ये काम करती हैं, उनको भी मार देती हैं। बट हम उन्हीं स्पीसीज़ को, उन्हीं स्ट्रेन्स को इस्तेमाल कर रहे हैं जो हानिकारक कीटों को मार देती हैं, मित्र कीटों को नुकसान नहीं पहुँचाती। दूसरा, केमिकल इंसेक्टिसाइड जो हम इस्तेमाल करते हैं, उसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वो जो बेनिफिशियल, जो लाभदायक या मित्र कीट है, उनको भी साथ में मार देता है। तो पोलिनेशन की बहुत बड़ी समस्या रहती है, बागों में पोलिनेशन नहीं हो पाता, इस वजह से फूल झड़ जाते हैं, फसलों में भी फसलें कम निकलती हैं पोलिनेशन कम होने की वजह से। ये वाइट फ्लाई है, आप देख सकते हैं। तो दूसरा, केमिकल पेस्टिसाइड्स के साथ साथ जब एक प्रॉब्लम ये मेन है कि जो कीट हैं, जो इंसेक्ट्स हैं, वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं। जब रेजिस्टेंस या प्रतिरोध डेवलप हो जाता है, तो वो उस केमिकल से वो कीट नहीं मरता। उसकी आप कितनी ही डोज दे दो, आप डोज और बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ, तो बेहोश हो जाएगा, बट मरेगा नहीं। तीसरी बड़ी कॉमन सी, बड़ी सामान्य सी बात है जो सबको पता है कि जो केमिकल कीटनाशक हैं, जो रासायनिक कीटनाशक हैं, वो हमारी जो आहार श्रृंखला है, जो फूड चेन है, उसमें प्रवेश कर जाते हैं, और उसमें प्रवेश करके वो आपके भोजन, आपकी थाली में आ जाते हैं, और आप जाने अनजाने में उन जहरों को खाने के लिए विवश होते हैं। यहाँ तक कि लेबोरेटरीज और जो आपकी अनुसंधान है, उनमें ये पाया गया कि जो मदर्स मिल्क है, जो माँ का दूध है, उसमें भी पेस्टिसाइड्स पाए गए। तो आप दूध पीते हैं, दूध में सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड पाया जाता है, घी में बहुत पेस्टिसाइड पाया जाता है, सब कपास में कितना पेस्टिसाइड हम इस्तेमाल करते हैं, सब घी में और दूध में आ जाता है, भैंसों और मवेशियों के थ्रू। तो मैं आपको बताऊं कि हमने जो सिस्टम तैयार किया है वो इस तरह का है। अब ये जो फंगस हैं, जो फंगस आप देख रहे हैं लगातार, ये फंगस क्या करती है, ये
पनपना शुरू कर देती है, जब जाने अनजाने में इंसेक्ट है वो इसको खा लेता है। हम क्या करते हैं, इसको स्प्रे कर देते हैं इसके स्ट्रेंस को पेड़ों के ऊपर, तो जब इंसेक्ट्स पेड़ फल फूल जो भी चीज़ खाता है उसके पेट में ये पनपना शुरू कर देती है। मैंने बताया जैसे आपको ये स्पीसीज स्पेसिफिक है, उसी इंसेक्ट को मारती है जिसको हमें मारना होता है जो हानिकारक है। तो उसके बाद ये जैसे सफ़ेद हो गया बिल्कुल, ये नेमाटोड का है, ये वाला नेमाटोड को किस तरह से कैप्चर कर लेती हैं फंगस, ये आपका। तो मैं आपको बताऊं, ये देखिए ये बिल्कुल इसके अंदर से उगाई है फंगस, बाहर आ गई है उग के। तो ये क्या होता है कि जो इंसेक्ट्स हैं, जो आंत है इंसेक्ट की, वो बेसिक होती है, उसका जो क्षारीय होती है, तो क्षारीय आंत होने के कारण फंगस उसमें पनप सकती है। जो स्तनपाई हैं जैसे मनुष्य है, गाय भैंस हैं, कुत्ता बिल्ली हैं, उनके अंदर जो आंत है वो एसिडिक होती है, इसलिए जो फंगस है, कोई भी फंगस है, वो जब आंत में जाती है तो वो मर जाती है। आंत में उसका इन्फेक्शन नहीं होता क्योंकि हमारे शरीर में एसिड बनता है। ये देखिए डेजर्ट लोकस्ट है, किस तरह से सफ़ेद होके मर गया है, इस तरह से ये एफिड्स हैं। दूसरा, ये एफिड्स रस चूसक, ये इस तरह के जो कीट हैं वो हमारी फसलों को कमज़ोर बनाते हैं, साथ में जैसे डिस्टोर्शन है लीफ को, लीफ लीफ जैसे है वो मुड़ तुड़ जाता है, इस तरह से उसकी शेप ख़राब हो जाती है, तो लीफ इंडेक्स ख़राब हो जाती है, वो अच्छे से भोजन नहीं बना पाता। जो टहनियाँ हैं उनका रस चूसक रस चूस लेते हैं, तो जिससे क्या होता है, आप जब रस चूसक रस चूस लेगा तो टहनियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, उस पर अच्छे से फ्रूट नहीं आएंगे। साथ के साथ में मैं आपको बताऊं कि जड़ों को भी ये इस तरह से कमज़ोर बनाते हैं, और जड़ हमारी पोषक तत्वों को ग्रहण करने में कामयाब नहीं हो पाती अच्छी तरह से। ऊपर से रिसोर्सेज के ऊपर इतना दबाव है, जनसंख्या इतनी बढ़ गई है, तो लाभदायक कीटों को बचाए रखने के लिए, मित्र कीटों को बचाए रखने के लिए, प्रकृति को सही रखने के लिए, हानिकारक कीटों को जैविक रूप से कंट्रोल या नियंत्रण में रखने के लिए हमने PFP कंसोर्टियम जो है वो उनके ऊपर आप रासायनिक जो केमिकल हैं वो इस्तेमाल करते हैं उनको आप कम कर सकते हैं, उनको आप ख़त्म कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि मैं प्रकृति के साथ ऐसा करना नहीं चाहता था कि हम इस तरह से कंसोर्टियम बनाएं, इस तरह की फंगस को आइसोलेट करें, फिर उनको स्प्रे के तौर पे इस्तेमाल करें या उनको कमर्शियलाइज करें। PFP इसी तरह का एक मिश्रण है, बट अभी हमने इतना कुछ प्रकृति को नुकसान कर दिया है रासायनिक खादों से, रासायनिक कीटनाशकों से, और हमारे पास अल्टरनेट भी नहीं है उसका। तो हमारा जो ये कंसोर्टियम है, ये नेमाटोड्स, डिमक, रस चूसक, लीफ होपर्स और अन्य तरह के जो कीट हैं जो हानिकारक हैं किसी न किसी तरह से फसलों को, स्टेम बोरर, इसके अलावा आपके बहुत सारे जो हमने डिस्कस किए हैं डेजर्ट लोकस, इनको इस के ऊपर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और पूर्णतः ये इफ़ेक्टिव है और पूर्ण जैविक है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, धन्यवाद। इसके अलावा 3 साल के दौरान में जो रिसर्च, जो काम मैंने किया है PFP को, जिस तरह से अलग अलग फंगस को आइसोलेट करके, 39 टाइप्स की फंगस को इस तरह से आइसोलेट करके उससे हमने PFP को बनाया है, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट मेरे पास हैं। बहुत ही अच्छे चौंकाने वाले रिजल्ट ये रहे कि केमिकल पेस्टिसाइड से जो चीज़ें रेजिस्टेंट हो चुकी हैं, जिस प्रकार के आपकी फ्रूट फ्लाई है ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, और आपकी आपकी ये वाइट फ्लाई है जो कपास में बहुत ज़्यादा नुकसान करती है, वो किसी केमिकल से नहीं मरती, इतनी रेजिस्टेंट हो गई है वो। इसके अलावा आपका नेमाटोड है, नेमाटोड भी किसी भी केमिकल से आज के दिन नहीं मर रहा। तो PFP सबके ऊपर बड़ी कारगर है, नेमाटोड को भी किल करती है। नेमाटोड फ्री अगर आपको आपकी भूमि, जो आपकी ज़मीन है वो नेमाटोड से फ्री करनी है, तो PFP हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर जो आपकी फ्रूट फ्लाई है उस पर काफ़ी अच्छे से काम करती है, उसको कंट्रोल कर सकती है। और टर्माइट्स, इसके अलावा टर्माइट्स को बड़े अच्छे से कंट्रोल करती है। वाइट फ्लाई को 5 या 6 दिन में किल कर देती है। और इसके साथ मैं बताऊंगा कि आप ज़रूर इस तरह से इस प्रोजेक्ट का फ़ायदा उठाएं, काम करें इस प्रोजेक्ट में। धन्यवाद।